सो फाइनली एक दिन हम लोग आमोद में रुके हैं एंड देन वी हैव फाउंड अ वेरी गुड प्रॉपर्टी जहां हम जाने वाले हैं. तो आई एम ऑल सेट बस बाहर जाने और उसके बाद सारा सामान पैक कर लिया है. थोड़ा सा आपको बाहर का एटमोसफेयर क्या है या बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आमोद का वो थोड़ा दिखाते हैं. एंड देन विल हेड अप टू अ न्यू प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी गुड. मीन्स यू लव इट द व्यू द एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग बहुत बहुत ही अच्छा है. तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ पैक हो गया है. वी हैव कॉल्ड द वैले वी हैव कॉल्ड द हाउस कीपिंग टू पिकअप आर लगेज एंड नाउ विल बी हेडिंग टू द न्यू वेन्यू न्यू प्लेस वेयर वी विल बी डिसाइडिंग. हम लोग नए होटल में जा रहे हैं नए रिजॉर्ट में जा रहे हैं जहाँ हम लोग रुकेंगे आज. और क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ों मतलब ऑल दो आमोद बाग या अलवर बाग इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस बट यहाँ कुछ कुछ चीज़ों पर इनको काम करने की ज़रूरत है. रूम्स में वाईफाई नहीं है नेटवर्क्स नहीं है. अगर नेटवर्क नहीं है आपके साथ पास तो आपको वाईफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो भी नहीं है यहाँ पे. तो बात बन नहीं रही थोड़ी सी यहाँ पे तो फिर यहाँ से भी निकलते हैं और थोड़ा सा आपको आमोद अलवर बाग बाय आमोद थोड़ा बाहर से भी दिखाते हैं. वहीं पर है आमोद पैलेस में ही है. पीछे देखो आप इन लोगों की शूट की रिहर्सल चल रही है. नाइस हो दीपक भैया शुभ्रा भाभी लक्ष्मी का है किशन लक्ष्मी. तो एक छोटा सा कुछ शूट कर रहे हैं यहाँ पे देन हम लोग दूसरे वाले रिजॉर्ट में जाएंगे. सो फाइनली अभी हम यहाँ से जा रहे हैं. वी आर लीविंग एंड वी आर गोइंग टू अ वेरी ब्यूटीफुल बहुत ब्रांडेड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा रिजॉर्ट है जहाँ हम जा रहे हैं. तो आई थिंक वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ दिखाई देना चाहते हो. गार्डनिंग कर रही है. हमें मज़ा आया. इट वाज अ नाइस स्टे हियर. स्वरांश ने बहुत मजे किए. स्वरांश इज इन द स्विमिंग पूल. हाय मैं खेल रहा हूं. मज़ा. थोड़ा वाईफाई इशू था तो हमारे वो जो ऑनलाइन क्लासेस थे वो सब कुछ नहीं हो पाए तो थोड़ा मैसी हो गया शेड्यूल. बट इट वाज नाइस. वी एंजॉयड. इट वाज नाइस. अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का भी आपको दिखाएंगे कैसा है कैसा स्टे है. आपको दिखाते हैं कि थोड़ा सा व्यू यहाँ का. वहाँ से हमारी एंट्री थी. यहाँ पर रिसेप्शन था. रिसेप्शन के सामने ही सामने 1, 2, 3 रूम हमारा था. देन दे हैव दिस बिग लॉन. बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. उधर भी रूम्स हैं अलग कैटेगरी के. सामने आप देख रहे हो ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है और पीछे वो सेंटर में एक मंदिर बना हुआ है. इसके शॉर्ट्स भी मैं डालूंगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आमोद बाग. सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू सर. बाय बाय सर. जा रहे हैं आप सर. जा रहे सर. जा रहे हैं आप. अब अगले रिजॉर्ट की तैयारी है. मफी मफी हाउ आर यू. कैसा लगा आपको यहाँ पे. बहुत अच्छा लगा मुझको. मर्फी कैसा लगा. अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा. तो अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. रास्ते में एक लेक है. अगर वो लेक हमें मतलब खुली मिली थोड़ा वहाँ एंजॉय करेंगे नहीं तो फिर सीधा अपने रिजॉर्ट.
यूट्यूबर अच्छा हुआ हम वो कह रहे थे बंद होगी बोटिंग तो गाइस अभी मैं और स्वराज पहले बोलो हाय गाइस क्या कर रहे हो आप पहले स्माइल दे फिर दूंगा बोटा में घूम रहा हूँ बोटा में तो गाइस अभी हम लोग अलवर की क्या नाम था सिली सेठ झील में है और ये बोटिंग कर रहे हैं आपको लगभग 800 रुपए में पूरी बोट मिल जाती है इसमें एक ही फैमिली बैठती है सब तो सिंगर बाहर आ गया तो अभी हम लोग जिस बोट में है ये पूरा इस पूरी झील का आप देख सकते हैं इधर भैया नाम क्या आपका हनुमान भैया साथ में है भैया इस झील के बारे में कुछ बताओ आप ये यहाँ के राजा थे विनय सिंह जी अलवर महाराजा विनय सिंह जी अलवर के महाराजा पहले नदी थी शिकार खेलना था तो यहाँ किशनपुर है किशनपुर के राजा थे वहाँ की लड़की थी शीला पसंद आ गई थी तो शीला का भी मैं सारी तो कर दूंगी लेकिन मेरी शर्त है राजा को मैं आपकी शर्त रख दूंगी तो पहले एक तो महल बनाओ एक झील बनाओ एक जैसे सीता माता का मंदिर बनाओ फिर बाद में शादी करो महल बनाओ झील बनाओ और सीता माता का मंदिर एक तो झील एक सीता माता श्री सेठ सीता उनका नाम सेठ सीता माता का मंदिर तीन चीज बनाने बाद फिर शादी अच्छा वो मंदिर कहाँ पर है बस सामने उधर और महल महल ये महल तो अभी गवर्नमेंट के होटल के आगे अच्छा 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 ये जो आप देखो ये पहले महल था अभी होटल आरटीडीसी के पास हो गया ये बहुत क्यों तो ये शीला सेठ इस नदी का नाम है और यहाँ के राजा थे जो अलवर के राजा थे उनका नाम क्या था विनय सिंह जी विनय सिंह उनकी पत्नी के नाम से महल जी बनाई थी तो विनय जी को यहाँ के जो दूसरे राजा थे अर्जुन सिंह विनय सिंह जी नहीं किसकी बेटी पसंद आई थी किशनपुर के राजा थे क्या नाम था राजा का पता अच्छा अच्छा किशनपुर के कोई राजा थे उनकी बेटी शीला उनको पसंद आई तो जब शादी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं शादी कर लूंगी लेकिन मुझे यहाँ पर एक झील बना के दो एक महल बना के दो और एक सीता माता का मंदिर बना के दो तो तब राजा ने ये तीनों चीजें बनाई थी रुद्र इधर इधर ये रहा बहुत लंबा था पैटर्न एक बार हाँ भैया बंद हो गया क्या गया